हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइनी नॉलेज। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको माइनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले प्राप्त करनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं IME और PME के बारे में। आखिर ये IME और PME होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे IME के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। जब माइंस में नए व्यक्ति को नियोजित किया जाता है तो उस वक्त मेडिकल जांच की जाती है, जिसे IME कहते हैं। यह जांच नए वर्कर के लिए होता है। अब बात करते हैं हम PME के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। यह जांच माइंस में नियोजित सभी व्यक्ति का एक समय अंतराल पर किया जाता है। वह व्यक्ति के एज पर निर्भर करता है। 45 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति का PME हर 5 साल में किया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक के उम्र के व्यक्ति का PME हर 3 साल में किया जाएगा और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का PME हर 1 साल में किया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ जगहों पर छूट दिया गया है, जैसे कि एस्बेस्टोस माइंस और मिलिंग कार्य में लगे व्यक्ति का PME हर 12 महीने में किया जाएगा। दोस्तों, मैंने वीडियो में जितनी भी जानकारी दी वह माइंस रूल 1955 की 29B की थी। अब बात करेंगे 29 का सी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी, मतलब जांच अधिकारी। ये जितने भी मेडिकल जांच की बातें हमने पीछे वीडियो में की, वह सभी जांच कौन करेगा, इसके बारे में इस रूल में बताया गया है। मेडिकल जाँच खान के मालिक द्वारा अपॉइंट डॉक्टर करेगा, या कोई मेडिकल ऑफिसर या कोल माइंस वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। ऐसा ना होने पर राज्य या केंद्र सरकार का असिस्टेंट सिविल सर्जन रैंक का प्राप्त व्यक्ति भी मेडिकल जांच कर सकता है। अब बात करते हैं रूल 29 का डी, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। इस रूल के अनुसार माइंस के मैनेजर के द्वारा IME और PME जाँच के लिए वर्कर को फॉर्म एम में 20 दिन पहले लिखित नोटिस दी जाएगी। यदि किसी कारण कोई वर्कर मेडिकल जांच कराने में अनुपस्थित रहता है तो मैनेजर उसे फॉर्म एन में 10 दिन पहले लिखित नोटिस देगा। अब बात करते हैं रूल 29 का ई, फेलियर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टरी जांच कराने से चूक। यदि कोई वर्कर मैनेजर के द्वारा दिए सेकंड लिखित नोटिस के बाद भी मेडिकल जाँच में अनुपस्थित रहता है तो मैनेजर उसे नौकरी से डिस्चार्ज कर सकता है। यदि इस संबंध में कुछ विवाद खड़ा होता है तो मामला 60 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। अब बात करते हैं रूल 29 का एफ, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें बताया गया है कि IME व PME जांच का स्टैंडर्ड क्या होगा और रिपोर्ट किस फॉर्म में भेजा जाएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। PME जांच करने वाला अधिकारी फॉर्म P में दिए गए स्टैंडर्ड के अनुसार PME जांच करेगा और IME जांच करने वाला अधिकारी फॉर्म P1 में दिए गए स्टैंडर्ड के अनुसार IME जांच करेगा। जो IME और PME का रिपोर्ट होगा वह फॉर्म O में भेजा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।